सूत जी बोले, शौनक, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान से समर्थ ना हो, वह भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है, अथवा छल ना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा में अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भली भांति भक्ष भोजन अन्य नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजा उपचार की भांति सब समान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाएं। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा मूर्ति से भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान ना करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति पूजा करने मात्र से ही भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में क्यों की जाती है? सूत जी ने कहा, मुनीश्वरो, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र एवं अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं, दूसरा कोई पुरुष कभी कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता है। इस प्रश्न का समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है उसे मैंने गुरु के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निराकार दोनों हैं। शिव के निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार में सर्वथा रहित निराकार रूप होने से वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग और मूर्ति दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्मा नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता है। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मदरांचल नंदिकेश्वर से इसी तरह का प्रश्न किया था, भगवान, शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सबकी पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः वेर मात्र से ही संख्या में देखा और सुना जाता है, केवल भगवान शिव की पूजा में लिंग और वेर दोनों को उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याणमय नंदिकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह मुझे समझ में आ जाए। निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का उत्तर हम लोग के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है। लिंग साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है तथा आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप एवं निष्कल हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निराकार लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का भी यही मत है। सनत कुमार बोले, महाभाग योगिंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वैर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है, इसलिए लिंग और वैर की आदि की उत्पत्ति का जो उत्तम वृतांत है
उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदकेश्वर ने भगवान महादेव की निराकार स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच निराकार आदि अंतर रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका अभिभाव आदि प्रसंगों की कथा कही गई। तदनंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई की थाह लेने की चेष्टा से एवं केतकी के पुण्य से शाप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए।